नारियल और दूध की जे कुल्फी इतनी गर्मी में आपको ठंडक देने के साथ साथ ताजगी भी देती है। इसमें कोई मिल्क पाउडर या कॉर्नस्टार्च नहीं डलेगा। सभी इंग्रेडिएंट्स आपके घर में अक्सर रहते ही हैं, जिनसे कि हम आज वाली कुल्फी बनाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाते हैं मज़ेदार कुल्फी। तो सबसे पहले हमें लेना होगा 500 ग्राम दूध। दूध कच्चा या फिर बॉयल्ड आप कोई भी ले सकते हो। अब हम डालेंगे 1 चम्मच डेसिकेटेड नारियल और 2 चम्मच चीनी के। चीनी को हमने 250 ml दूध के हिसाब से ही डालना है, क्योंकि बॉयल होने के बाद दूध आधा रह जाएगा। अब कुछ काजू, बादाम या फिर पिस्ता भी डाल सकते हैं। कुछ धागे केसर के ऐड करेंगे, जो ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। दूध को तब तक बॉयल करना है जब तक 500 ml दूध का 250 ml दूध रह जाए। अब हमें इस दूध को ठंडा करने के बाद शेकर में डालकर शेक करना है, ताकि इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं और दूध की मलाई है वो सब एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। अब इस दूध को कुल्फी वाले मोल्ड्स में डाल लेंगे। अगर आपके पास मोल्ड्स नहीं है तो आप कोई भी कटोरी ले लीजिए, या फिर छोटा सा कप ले लीजिए, या फिर छोटी सी गलासी ले लीजिए, जिसमें कि आप बच्चों को अक्सर दूध या फिर पानी डाल कर देती हैं। जरूरी नहीं है कि हमें कुल्फी मोल्ड में ही बने। अब इन मोल्ड्स को सिल्वर फॉयल से कवर कर देंगे, ताकि कुल्फी में कोई भी आइस ना जमे और हम जो इसमें डंडियां डालने वाले हैं वो अपनी जगह पर सीधी खड़ी रहे। अब हम किसी चाकू या फिर छुरी की हेल्प से इसके बीच में छेद कर लेंगे, बीचों बीच में, और फिर इस छेद में कुल्फी वाली डंडी डाल देंगे। देखिए, सिर्फ 1/2 किलो दूध से हमारी 4 कुल्फी जम जाएगी। अब इस कुल्फी को फ्रीजर में ओवरनाइट रखना होगा, ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए, या फिर 7 से 8 घंटे के लिए रखना होगा। तो अब पूरी रात फ्रीजर में रखने के बाद देख लेते हैं कि हमारी कुल्फी का क्या हाल है। मोल्ड के नीचे की तरफ थोड़ा सा पानी डालकर या फिर हाथों की गर्मी से कुल्फी को डीमोल्ड कर लेंगे। ऐसा करने से कुल्फी को निकालना बहुत आसान हो जाता है। वाव, आप देख सकते हैं कि हमारी कुल्फी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है और कलर भी कितना अच्छा आया है। तो आपने देखा कि हमने ना ही इसमें कोई कॉर्न स्टार्च डाला है और ना ही कोई मिल्क पाउडर। सिर्फ सिंपल इंग्रेडिएंट से ही हमने कुल्फी बनाकर तैयार कर ली है। अगर आप कुल्फी घर पर बनाते हैं तो आपको भी लगेगा कि बच्चों ने कुछ हेल्दी खाया है और हाइजीनिक खाया है। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।